आत्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्दशो अध्यायः। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। अध्याय 4 के 19वें श्लोक में उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण क्रमशः उत्थान होते होते इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा शमन हो गया, उस समय जिसे वो जानना चाहता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया। अध्यात्म ज्ञान नितत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के पश्चात ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। अभ्यास की वो अवस्था ज्ञान है जहां वो तत्व विदित होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी है। भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन अनुभूति मिलेगी। ये जानकारी सद्गुरु महापुरुष ही देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं फिर भी कहूंगा। श्री भगवान उवाच। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को उपाश्रित्य, इस ज्ञान का नजदीक से आश्रय लेकर, क्रिया से चलकर, पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वो स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उनका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहां है जहां लोग जन्म लेते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म अर्थात अष्टधा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और उसमें मैं चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि है। गर्भ धारण करने वाली माता आठ भेदों वाली मूल प्रकृति है और मैं ही बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। अन्य कोई न माता है न पिता। जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे, निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है, इस पर कहते हैं सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमो व्ययम्। महाबाहु अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। किस प्रकार? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सत्वगुण भी बंधन ही है। अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। इसे तू कर्म संगेन कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वो जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है। वो कर्म में प्रवृत्ति देता है। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वो इस आत्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा आलस्य की कल करेंगे और निद्रा द्वारा बांधता है। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जगत ही रात्रि है, तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है। यही तमोगुणी निद्रा है, जो इसमें फंसा है सोता है। अब तीनों गुणों के बंधन का सामूहिक स्वरूप बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगाता है। जब गुण एक ही स्थान पर
एक ही हृदय में हैं, तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, तथा इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है, तथा लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, प्रकाश परमात्मा का द्योतक है, ईश्वरीय प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव, कार्यम कर्म, जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है उसमें अप्रवृत्ति, अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है? यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, तथा रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, तथा तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंगादि पर्यंत योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। प्रकृति का यह बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। अब देखें इसका परिणाम। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्।
सात्विक कर्म का फल सात्विक, निर्मल सुख, ज्ञान और वैराग्यादि कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। तथा सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभैव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह होता है। रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह, आलस्य अर्थात अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित हुआ पुरुष ऊर्ध्व मूलम, उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होता है, निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिनके पास न सात्विकम विवेक वैराग्य ही होता है और न अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामसी पुरुष अधो गति है, अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण हैं। जो पुरुष गुणों को पार कर लेते हैं वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं और मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इस पर कहते हैं नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोधिगच्छति। जिस काल में दृष्टा आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे परम तत्व को वेत्ति विदित कर लेता है, उस समय वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये बौद्धिक मान्यता नहीं है कि गुण गुणों में बरतते हैं। साधन करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहां उस परम से अनुभूति होती है कि गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं दिखता। उस समय पुरुष तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। ये कल्पित मान्यता नहीं है तथा इसी पर आगे कहते हैं गुणानेतानतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुष इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से विशेष रूप से मुक्त होकर अमृत तत्व का पान करता है। इस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैता स्त्रीन गुणानति वर्तते। प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवान वाच
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन के उपर्युक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, तथा उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। जो इस प्रकार उदासीन के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण गुण में ही बरतते हैं, ऐसा यथार्थतः जानकर उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, तभी वो गुणों से अतीत होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्मभाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है और मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वो संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। श्लोक 22 से 25 तक गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए गए कि वो चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, स्थिर रहता है। अब प्रस्तुत है गुणों से अतीत होने की विधि। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वो इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके पर ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वो कल्प करता है, जिसमें वो गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है।
श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। अब यदि आपको अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म शाश्वत धर्म अखंड एक रस आनंद की आवश्यकता है तो किसी तत्व स्थित अव्यक्त स्थित महापुरुष की शरण लें, उनके द्वारा ही यह संभव है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसे जानकर मुनिजन उपासना के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर सृष्टि के आदि में वे जन्म नहीं लेते, किंतु शरीर का निधन तो होना ही है। उस समय वे व्यथित नहीं होते, वे वास्तव में शरीर तो उसी दिन त्याग देते हैं जिस दिन स्वरूप को प्राप्त होते हैं। प्राप्ति जीते जी होती है, किंतु शरीर का अंत होते समय भी वे व्यथित नहीं होते। प्रकृति से उत्पन्न हुए रज सत्व और तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। दो गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है, और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौट कर आता है, और तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम अर्थात पशु कीट पतंग इत्यादि योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को क्रमशः उन्नत गुण सात्विक की ओर बढ़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण किसी न किसी योनि के ही कारण है। गुण ही आत्मा को शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने कहा, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप पिता हूं। अन्य न कोई माता है न पिता। जब तक यह क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई न कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है, मैं ही पिता हूं। अर्जुन ने तीन प्रश्न किए। गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण हैं, क्या आचरण है, और किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताए, और अंत में गुणातीत होने का उपाय बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति और योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है वह तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अन्य किसी का चिंतन न करते हुए निरंतर इष्ट का चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसी का नाम योग है। उसको कार्य रूप देने की प्रणाली का नाम कर्म है। यज्ञ जिससे संपन्न होता है वह हरकत कर्म है। अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा उस नियत कर्म के आचरण से ही पुरुष तीनों गुणों से अतीत होता है, और अतीत होकर ब्रह्म के साथ एकी भाव के लिए पूर्ण कल्प को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। गुण जिस मन पर प्रभाव डालते हैं उसके विलय होते ही ब्रह्म के साथ एकी भाव हो जाता है, यही वास्तविक कल्प है। अतः बिना भजन किए कोई गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, वह गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्म के साथ एकी भाव में स्थित होता है उस ब्रह्म का अमृत तत्व का शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं अर्थात प्रधान करता हूं। अब तो श्री कृष्ण चले गए, अब वह आश्रय तो चला गया, तब तो बड़े संशय की बात है, वह आश्रय अब कहां मिलेगा। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है कि वे एक योगी थे, स्वरूपस्थ महापुरुष थे। शिष्यस्ते अहम् शाधिमाम् त्वाम् प्रपन्नम्।
अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए और उनसे अपनी तुलना की। अतः स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक महात्मा योगी थे। अब यदि आपको अखंड एक रस आनंद, शाश्वत धर्म अथवा अमृत तत्व की आवश्यकता है, तो इन सब की प्राप्ति के स्रोत एकमात्र सद्गुरु हैं। सीधे पुस्तक पढ़कर इसे कोई नहीं पा सकता। जब वही महापुरुष आत्मा से अभिन्न होकर रथी हो जाते हैं, तो शनई शनई अनुरागी को संचालित करते हुए उसके स्वरूप तक, जिनमें वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं, पहुंचा देते हैं। वही एकमात्र माध्यम है। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने को सबका आश्रय बताते हुए इस 14वें अध्याय का समापन किया, जिसमें गुणों का विस्तार से वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत्।